इस वीडियो में आज हम हजार्डस वेस्ट, जनरेटिंग हजार्डस वेस्ट और कैटेगरी ऑफ हजार्डस वेस्ट की बात करेंगे। हजार्डस वेस्ट जितने भी टाइप के होते हैं उनको 1 से लेकर 38 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। तो आज हम ये सारी कैटेगरी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा प्रोसेस वो क्या है, जो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस या फिर जो हमारे पायरोलाइटिक ऑपरेशंस होते हैं उससे जिस टाइप का भी हमारा हजार्डस वेस्ट निकलता है इस इनके प्रोसेस के बाद, उसको हमारा 1 से लेके 7 कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें हमारे फर्नेस और रिएक्टर रेजिड्यू एंड डेब्रिस आ जाते हैं जो 1.1 कैटेगरी में है, टायरी रेजिड्यू एंड स्टील बॉटम्स फ्रॉम डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको 1.2 कैटेगरी का नाम दिया गया है, ऑयली स्लज इमल्शन, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, रेजिड्यू फ्रॉम एल्कली वॉश ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, ये 1.5 कैटेगरी, 1.4 कैटेगरी में है, स्पेंट कैटलिस्ट एंड मॉलिकुलर सीव्स, ऑयल फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये 1.6 और 1.7 कैटेगरी में है। तो ये हमारे जो भी पेट्रोकेमिकल होता है ये उनसे निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं आफ्टर प्रोसेस, उनको ये कैटेगरी का नाम दिया गया है। फिर सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। तो जो हमारे क्रूड ऑयल होते हैं और जो नेचुरल गैस होती है, इसके प्रोडक्शन के टाइम पे जो जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस से जो जो हजारस वेस्ट निकलते हैं उनको सेकेंड नंबर पे रखा गया है, और कैटेगरी 2.1 से लेके 2.3 तक दिया गया है, जिसमें ड्रिल कटिंग एक्सक्लूडिंग डोज फ्रॉम वेस्ट वाटर मड है, स्लज कंटेनिंग ऑयल है और ड्रिलिंग मड कंटेनिंग ऑयल है। तो ये हमारे क्या है कैटेगरी होगी 2.1, 2.2, 2.3। प्रोसेस की बात करेंगे, क्लीनिंग एम्पिटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पेट्रोलियम ऑयल स्टोरेज टैंक्स इंक्लूडिंग शिप्स। तो जो भी क्लीनिंग के प्रोसेस हैं, एम्पिटिंग एंड मेंटेनेंस के जो भी प्रोसेस है, पेट्रोलियम ऑयल स्टोरेज टैंक इंक्लूडिंग शिप, शिप शिप जो होते हैं इनसे जो भी क्लीनिंग के बाद, मेंटेनेंस के बाद या फिर शिप को खाली करने के बाद जो भी पेट्रोलियम हमारे पास वेस्ट निकलता है उसको थर्ड नंबर प्रोसेस में रखा गया है, जिसकी कैटेगरी 3.1 से 3.4 रखी गई है। इसमें हमारा कार्गो रेसिड्यू, वॉशिंग वाटर एंड स्लज कंटेनिंग ऑयल, फिर सेकेंड टू है जिसे 3.2 कैटेगरी में रखा गया है, कार्गो रेसिड्यू एंड स्लज कंटेनिंग केमिकल्स, फिर है हमारा स्लज एंड फिल्टर्स कंटामिनेटेड विद ऑयल, ब्लास्ट वाटर कंटेनिंग ऑयल फ्रॉम शिप्स। तो ये इनकी कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस है 4 नंबर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और रिप्रोसेसिंग ऑफ यूज ऑयल एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ऑयल, ठीक है। तो इसको जो है हजार्डस वेस्ट में 4.1 से लेके 4.5 कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें हमारा ऑयल स्लज और इमल्शन, स्पेंट कैटलिस्ट, स्लोप ऑयल, ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्रॉम प्रोसेस, स्पेंट क्ले कंटेनिंग ऑयल, ये सब आते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 5 नंबर प्रोसेस, इसमें हमारा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन यूजिंग मिनरल्स, सिंथेटिक ऑयल एज लुब्रिकेंट एंड हाइड्रोलिक सिस्टम और अदर एप्लीकेशन। तो जो इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस होते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, उस टाइम पर जो भी हमारा ऑयल वेस्ट निकलता है वो हजार्डस वेस्ट है, इसको 5.1 से 5.3 तक कैटेगरी में रखा गया है। इसमें हमारे यूज्ड और स्पेंड ऑयल, वेस्ट और रेसिड्यू कंटेनिंग ऑयल, वेस्ट कटिंग ऑयल, ये आते हैं, जिसे 5.1, 5.2, 5.3 कैटेगरी में रखा गया है। फिर 6 नंबर प्रोसेस की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ जिंक। तो जो सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है या फिर इंडस्ट्रियल यूज भी होता है उसमें जो है हजार्डस वेस्ट क्या क्या है, और उनकी कैटेगरी 6.1 से लेकर 6.4 तक रखी गई है उनको। तो इसमें हमारे स्लज एंड फिल्टर प्रेस केक अराइजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जिंक सल्फेट और अदर जिंक कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे जिंक वगैरह सल्फेट का जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उनसे रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है उनके कंपाउंड्स होते हैं उनको 6.1 कैटेगरी में दिया गया है। फिर जिंक फाइंस और डस्ट और ऐश और स्कीमिंग्स इन डिस्पेरिसिबल, इसको 6.2 कैटेगरी में रखा गया है। अदर ऐसी रेसिड्यू फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ जिंक ऐश और स्कीमिंग्स, तो जो अदर जो प्रोसेस के बाद भी अगर कोई जैसे जिंक ऐश या स्कीमिंग्स मिल रही है हमें तो उसको 6.3 कैटेगरी में रखा गया है। फ्लू गैस, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, उनको 6.4 कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं 7 प्रोसेस की, प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ जिंक और लेड और कॉपर एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स एक्सेप्ट एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है जिंक का, लेड का या फिर कॉपर का या कोई और अदर नॉन फेरस मेटल का, तो उस टाइम पे उसके जनरेशन में जो हजार्डस वेस्ट निकलते हैं उनको 7.1 से 7.5 कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें हमारा फ्लू गैस, डक्ट फ्रॉम रोस्टिंग प्रोसेस रेसिड्यू, आर्सेनिक बियरिंग स्लज, नॉन फेरस मेटल बियरिंग स्लज एंड रेजिड्यू, स्लज फ्रॉम स्क्रबर्स, ठीक है, ये हमारे इसमें रखे गए हैं।
एट्थ नंबर की बात कर ले तो सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, तो जब कॉपर का सेकेंडरी प्रोसेस होता है उसमें जो हमारा वेस्ट होता है वो कौन कौन से होते हैं, और इसको 8.1 से 8.3 तक कैटेगरी में रखा गया है। इसमें हमारा स्पेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्लज एंड फिल्टर केक्स, फ्लू गैस, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, तो ये हमारे हजार्डस वेस्ट में आ रहे हैं जो सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ कॉपर से हमें रिसीव में होते हैं। प्रोसेस 9 है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ लेड। अब लेड के सेकेंडरी प्रोडक्शन में हमें जो हजार्ड वेस्ट निकलते हैं उनको 9.1 से लेकर 9.3 कैटेगरी में रखा गया है। इसमें हमारा लेड बेयरिंग रेजिड्यू, लेड ऐश और पार्टिकल्स, सॉरी पार्टिकुलेट फ्रॉम फ्लू गैस, एसिड फ्रॉम यूज्ड बैटरी, ठीक है, तो ये सब जो है हमारा 9.1 से लेके 9.3 तक की कैटेगरी में रखा गया है। 10th प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो इसमें हमारा प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ कैडमियम एंड आर्सेनिक एंड बियर कंपोनेंट्स, तो ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे कैडमियम का, आर्सेनिक का और इनके जो भी कंपाउंड्स होते हैं इनका यूज होता है, वहां पर हैजार्डस वेस्ट कैटेगरी में रेजिड्यू कंटेनिंग कैडमियम एंड आर्सेनिक को 10.1 की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, इसलिए इनको कैटेगरी में रखा गया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों जरूरी है और कैटेगरी क्यों बनाई गई है, क्यों रखा गया है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। चलिए तो इसको समझते हैं पहले। अब प्रोसेस है हमारा 11th, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्यूमिनियम, तो इसमें भी हमारे 11.1 से लेके 11.7 कैटेगरी को बताया गया है, जिसमें हमारा स्लज फ्रॉम ऑफ गैस ट्रीटमेंट, कैथोड रेसिड्यू इंक्लूडिंग पोर्ट लाइनिंग वेस्ट, टार कंटेनिंग वेस्ट, फ्लू गैस, डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, डोरेसिस एंड वेस्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ सॉल्ट स्लज, यूज्ड एनोड बड्स, बेंडियम स्लज एंड एल्यूमिनियम रेफिनरीज, तो इनको 11.1 से लेके 11.7 तक की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कर लेते हैं हम 12th नंबर प्रोसेस की। इसमें हमारा मेटल सरफेस ट्रीटमेंट सच एज ईचिंग, स्टेनिंग, पॉलिशिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्लीनिंग, डिग्रीसिंग, प्लांटिंग, ईटीसी, ठीक है, ये सब हमारा जो मेटल सरफेस ट्रीटमेंट के टाइम पे जो भी इसके प्रोसेस होते हैं उससे जो हमारा हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, इसको 12.1 से लेकर 12.8 कैटेगरी तक रखा गया है, जिसमें हमारा एसिडिक एंड एल्कलाइन रेजिड्यू, स्पेंट एसिड एंड एल्कली, स्पेंट बाथ एंड स्लज कंटेनिंग सल्फाइड, साइनाइड एंड टॉक्सिक मेटल्स, स्लज फ्रॉम बाथ कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फॉस्फेट स्लज, स्लज फ्रॉम स्टेनिंग बाथ, कॉपर रीचिंग रेसिड्यू, प्लांटिंग प्लाटिंग मेटल स्लज, ठीक है, तो ये हमारा 12.1 से लेके 12.8 कैटेगरी के बीच में आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंक्लूडिंग अदर फेरस एलॉयज, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल रोलिंग एंड फिनिशिंग मिल्स, कोक ओवन एंड बाय प्रोडक्शन प्लांट, तो इसकी जो कैटेगरीज है हमारी वो 13.1 से लेके 13.6 है, जिसमें हमारा स्पेंट पिकलिंग लिक्वर, स्लज फ्रॉम एसिड रिकवरी यूनिट, बेंजोल एसिड स्लज, डिकंटेनर टैंक, टायर स्लज, टायर स्टोरेज टैंक्स रेजिड्यू, रेजिड्यूज फ्रॉम कोक ओवन बाय प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है, तो इनकी कैटेगरी है 13.1 से लेके 13.6 तक। उसके बाद 14 प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें है हमारा हार्डनिंग ऑफ स्टील, ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा साइनाइड, नाइट्रेट और नाइट्रेट कंटेनिंग स्लज जिसे 14.1 और स्पेंट हार्डनिंग सॉल्ट को 14.2 कैटेगरी में रखा गया है। 15 नंबर प्रोसेस है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एस्बेस्टस एंड एस्बेस्टस कंटेनिंग मटेरियल, तो इसमें हमारा जो एस्बेस्टस कंटेनिंग रेजिड्यू होता है वो 15.1, डिस्कार्टेड एस्बेस्टस 15.2, डस्ट ऑफ पार्टिकुलेट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट 15.3 इसमें रखा गया है। 16 नंबर में हमारा प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा एंड क्लोराइन है, तो इसमें जो हजार्डस वेस्ट हमारा जनरेट होता है वो है हमारा मरकरी बेयरिंग स्लज जनरेटेड फ्रॉम मरकरी सेल प्रोसेस जिसे 16.1, रेजिड्यू और स्लज एंड फिल्टर केक 16.2, ब्राइन स्लज 16.3 कैटेगरी में रखा गया है। 17 प्रोसेस में हमारा प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एसिड, ठीक है, तो मिनरल्स एसिड का प्रोडक्शन के लिए है ये। इसमें हमारा प्रोसेस एसिड रेसिड्यू, फिल्टर केक, डस्ट इसे 7.1 कैटेगरी में और स्पेंट कैटलिस्ट को 17.2 प्रोसेस में रखा गया है। 18 नंबर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो इसमें हमारा स्पेंट कैटलिस्ट 18.1, कार्बन रेसिड्यू 18.2, स्लज और रेसिड्यू कंटेनिंग आर्सेनिक 18.3, क्रोमियम स्लज फ्रॉम वाटर कूलिंग टावर 18.4 कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद 19 प्रोसेस में हमारा है प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल में रेजिड्यू और स्लज कंटेनिंग फिनॉल 19.1, स्पेंट कैटलिस्ट 19.2 कैटेगरी में रखा गया है। 20 प्रोसेस की बात करें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सॉल्वेंट, ओके, तो इसमें हमारा कंटामिनेटेड एरोमेटिक, एल्फेटिक एंड नेप्थेनिक सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी फिट फॉर यूजेस, तो इसको जो है 20.1 कैटेगरी में रखा गया है। स्पेंट सॉल्वेंट को 20.2, डिस्टिलेशन रेजिड्यू को 20.3, प्रोसेस स्लज को 20.4 कैटेगरी में रखा गया है। 21 प्रोसेस की बात करते हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ पेंट्स, पिगमेंट्स, लैकर्स,
वार्निशेस एंड इंक्स। तो इससे जो हजार्डस वेस्ट जनरेट होगा वो क्या है हमारा, प्रोसेस वेस्ट रेजिड्यू एंड स्लज इसे 21.1, स्पेंट सॉल्वेंट 21.2 कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम 12th नंबर प्रोसेस की, जिसमें है हमारा प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी एक तरीके का हजार्ड वेस्ट है, तो इसमें दो दो टाइप का वेस्ट जनरेट होता है। पहला है स्पेंट कैटलिस्ट, ये इसको 22.1 कैटेगरी में और प्रोसेस रेसिड्यू को 22.2 कैटेगरी में रखा गया है। 23 नंबर प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ग्लूज, ऑर्गेनिक सीमेंट, एडिसिव एंड रेसिन्स। तो इसमें हमारा हजार्डस वेस्ट है वेस्ट एंड रेसिड्यू नॉट मेड विद वेजिटेबल और एनिमल मटेरियल्स, ठीक है। तो इसको हमारा 23.1 और स्पेंट सॉल्वेंट को 23.2 कैटेगरी में रखा गया है। 24 प्रोसेस है हमारा प्रोडक्शन ऑफ कैनवास एंड टेक्सटाइल, तो इसमें हमारा वेस्ट निकलता है केमिकल रेसिड्यू, जिसको 24.1 कैटेगरी में रखा गया है। 25 प्रोसेस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ वुड प्रिजर्वेटिव को रखा गया है। तो इसमें जो हजार्डस वेस्ट है केमिकल रेजिड्यू 25.1, सेकंड है रेजिड्यू फ्रॉम वुड एल्कली बाथ, ये 725.2 कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद 26 प्रोसेस में प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ साइंथेटिक डाइज, डाई इंटरमीडिएट एंड पिगमेंट्स। तो इसमें हमारा प्रोसेस वेस्ट स्लज, रेजिड्यू कंटेनिंग एसिड, टॉक्सिक मेटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 26.1 कैटेगरी, डस्ट फ्रॉम एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम 26.2, स्पेंट एसिड 26.3, स्पेंट सॉल्वेंट 26.4, स्पेंट कैटलिस्ट 26.5, तो ये इनकी कैटेगरी होगी। उसके बाद 27th प्रोसेस की बात करें, तो इसमें प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक सिलिकॉन कंपाउंड है, तो इसमें प्रोसेस रेजिड्यू हमें हजार्डस वेस्ट मिलता है, जिसको 27.1 कैटेगरी में रखा गया है। 28th प्रोसेस में प्रोडक्शन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट को रखा गया है, जिसमें हमारे जो हजार्डस वेस्ट है प्रोसेस रेजिड्यू एंड वेस्ट 28.1, स्पेंट कैटलिस्ट 28.2, स्पेंट कार्बन 28.3, ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट्स 28.4, डेट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट 28.5, स्पेंट सॉल्वेंट 28.6 कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद 29th प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग इज कॉल्ड स्टॉक पाइल्स। तो इसमें जो हमारे हजार्डस वेस्ट है वो है हमारा प्रोसेस वेस्ट और रेसिड्यू 21.9, स्लज कंटेनिंग रेसिड्यू पेस्टिसाइड 29.2, डेट एक्सपायर्ड एंड ऑफ स्पेसिफिकेशन पेस्टिसाइड 29.3, स्पेंट सॉल्वेंट 29.4, स्पेंट कैटलिस्ट 29.5 और स्पेंट एसिड जो है वो हमारा 29.6 कैटेगरी में रखा गया है। 30 नंबर प्रोसेस में हमारा लेदर टैनरीज आते हैं, जिसमें हमारा क्रोमियम बियरिंग रेजिड्यू एंड स्लज है, इसको 30.1। फिर 31 प्रोसेस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जिसमें हमारा प्रोसेस रेसिड्यू एंड वेस्ट 31.1 कैटेगरी में, स्पेंड ईचिंग केमिकल एंड सॉल्वेंट को 31.2 कैटेगरी में रखा गया है। फिर बात करते हैं 32 नंबर प्रोसेस, इसमें हमारा पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, स्पेंड केमिकल हो गया जैसे 32.1, कोरोसिव वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, इसको 32.2 कैटेगरी में, और प्रोसेस स्लज कंटेनिंग एडसॉरेबल ऑर्गेनिक हैलिट्स जिसे हम AOX बोलते हैं, इसको 32.3 कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद 33 नंबर प्रोसेस है हैंडलिंग ऑफ हजार्डस केमिकल एंड वेस्ट, तो इसमें हमारा एम्प्टी बैरल्स, कंटेनर्स, लाइनर्स कंटामिनेटेड विद हजार्डस केमिकल वेस्ट, ये सब आते हैं, तो इसको 33.1 कैटेगरी में, और कंटामिनेटेड कॉटन रैक्स और अदर क्लीनिंग मटेरियल्स जो है वो 33.2 कैटेगरीज में आते हैं। 34 प्रोसेस जो है डिकंटामिनेशन ऑफ बैरल्स, कंटेनर्स यूज फॉर हैंडलिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट और केमिकल्स, तो इसमें जो हजार्डस वेस्ट होते हैं हमारे केमिकल कंटेनिंग रेजिड्यू अराइजिंग फ्रॉम डिकंटामिनेशन, तो इसको हमने 34.4 कैटेगरी में, और स्लज फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर अराइजिंग आउट ऑफ क्लीनिंग डिस्पोजल ऑफ बैरल्स, कंटेनर्स, इसको 34.2 कैटेगरी में रखा गया है। 35 प्रोसेस है हमारा प्यूरिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट एयर, गैसेस, वाटर एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द प्रोसेस इन दिस शेड्यूल एंड कॉमन इंडस्ट्रियल ETP। तो इन प्रोसेस में जो हमारा वेस्ट है वो हमारा 35.1 से लेकर 35.5 कैटेगरी में रखा गया है। इसमें हमारा एग्जॉस्ट एयर और गैस क्लीनिंग रेसिड्यू 35.1, स्पेंट आयन एक्सचेंज रिसाइन कंटेनिंग टॉक्सिक मेटल्स 35.2, केमिकल स्लज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट 35.3, ऑयल एंड ग्रीसिंग स्कीमिक 35.4, और हमारा क्रोमियम स्लज फ्रॉम कूलिंग वाटर 35.5 कैटेगरी में रखे गए हैं। इसके बाद 36 प्रोसेस में हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट आते हैं, जिसमें हमारा हजार्डस वेस्ट एनी प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन रेजिड्यू मिलता है, जिसे 36.2 कैटेगरी में, और स्पेंट कार्बन और फिल्टर मीडियम को 36.2 कैटेगरी में रखा गया है। 37 प्रोसेस में हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एग्जाम्पल फ्री प्री प्रोसेसिंग, इंसिनरेशन एंड कंसंट्रेशन, तो इससे इस प्रोसेस से जो हमारा हजार्डस वेस्ट निकलता है स्लज फ्रॉम वेट स्क्रबर 37.1 कैटेगरी में, एश फ्रॉम इंसिनरेटर और एंड फ्यूल गैस क्लीनिंग रेजिड्यू 37.2, कंसंट्रेशन और इवेपोरेशन रेजिड्यू 37.3 कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद 38 नंबर प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारा केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ ऑर इज कंटेनिंग हैवी मटेरियल मेटल्स सच एज क्रोमियम, मैगनीज, निकल, कैडमियम, ETC, ये आती है, तो इससे जो हमारा प्रोसेस रेजिड्यू जनरेट होता है इसको 38.1 कैटेगरी में, और स्पेंट एसिड को 38.2 कैटेगरी में रखा गया है। तो ये कुल टोटल कैटेगरीज थी 1 टू लेकर 38।
ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से बता दिया कि किस टाइप के कैटेगरी में किस टाइप के वेस्ट को रखा गया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।